हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी. ओके गाइस, तो आई होप मोल कॉन्सेप्ट आपके लिए थोड़ा सा इजी हो गया है, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. और दूसरा थोड़ा सा आप लोगों के लिए कंफ्यूजिंग है, सो आई थॉट आई विल डू अ फ्यू मोर क्वेश्चंस एंड ट्राई टू टेल यू कि एटॉमिक मास यूनिट क्या है इन टुडेज लेक्चर. मोल क्या है, एटॉमिक मास यूनिट और मोल के क्वेश्चंस को हम किस तरह से हैंडल करेंगे, और वॉल्यूम और मोल के क्वेश्चंस को हम किस तरह से हैंडल करेंगे. सो आई हैव अराउंड 6 क्वेश्चंस फॉर यू इन टुडेज वीडियो. आई होप यू लाइक देम. बट उससे पहले रिचुअल हमारा, यू हैव टू डाउनलोड द ऐप. अगर और आपको मटेरियल चाहिए, नोट्स चाहिए, आपको क्वेश्चन बैंक्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, या आपको लाइव क्लासेस चाहिए, सो फॉर ऑल दैट ऑफ कोर्स यू विल हैव टू डाउनलोड द ओ ऐप. सॉरी, और ऐप डाउनलोड करना एब्सोल्युटली फ्री है, देर इज नो चार्जेस. और उसके बाद आप देखो उसमें स्टडी मटेरियल जो है, बहुत सारा स्टडी मटेरियल फ्री भी है, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट गाइज. एंड सेकेंडली, शेयर दीज वीडियोज विद योर फ्रेंड्स एंड देन हैव अ कॉम्पिटिशन अमंगस्ट योर सेल्स. ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग केमिस्ट्री फॉर कॉम्पिटिशन पे फिजिकल केमिस्ट्री कर रहे हैं. वी आर गोइंग ऑन टू 2.2 एंड 2.1 में हमने मोल कॉन्सेप्ट किया था. हमने किया था किस तरह से, ओवरव्यू भी मैं करा चुकी हूँ आपको कि क्या क्या हमने हमारी सेकेंड वाले इसमें एपिसोड में करना है. तो सीजन 2 में हम कर रहे हैं क्या क्या कर रहे हैं उसका ओवरव्यू. जिनको देखना है वो प्लीज पिछला वाला 2.1 लेक्चर एक बार ही फिर से प्लीज देखना शुरू करो. ऑल राइट, सो वी फिनिश्ड विद आवर चैप्टर 1 जिसमें हमने मेजरमेंट्स किए थे, ग्राफिकल एनालिसिस किए थे, और आई टोल्ड यू व्हाट आर फंडामेंटल यूनिट्स, व्हाट आर डिराइव्ड यूनिट्स, और ये सारा कुछ वी हैव ऑलरेडी डन. राइट, सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू गो ऑन टू आर 2.2 एटमिक मास यूनिट एंड मोल. आर यू गाइज रेडी विद आवर पेन्स एंड पेंसिल्स? ओके ग्रेट गाइज, नोट्स अपने साथ साथ बनाते रहो. जिनको नोट्स चाहिए वो ऐप पे जाके ले सकते हैं. केमिस्ट्री फॉर कॉम्पिटिशन्स के नोट्स विल बी अपलोडेड सून. 11th और 12th के नोट्स आर ऑलरेडी देयर. राइट, सो लेट्स गो फर्दर टूडे. आज हम लोग करते हैं एटमिक मास यूनिट क्या होता है. यू नो वॉट हैपन्स इज कि अगर सपोज आप कोई भी एक मैटर का एक सबसे छोटा पार्ट ले लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल सैंड लिया आपने, सैंड का आप जो एक छोटा सा वो पार्ट होता है, या सैंड का सबसे छोटा जो पार्ट होता है, एक उसमें भी 10^10 अप्रोक्सीमेटली 19 एटम्स दे आर प्रेजेंट. तो अगर हम लोग, आई एम सो सॉरी, अगर हम लोग स्मॉलेस्ट स्पेक ऑफ सैंड भी लेते हैं तो हम क्या बुलाते हैं, दैट इज नोन एज अ स्पेक ऑफ सैंड. अगर हम स्मॉलेस्ट स्पेक ऑफ सैंड भी लेते हैं उसमें भी 10^19 एटम्स हैं. तो इतने सारे एटम्स हैं उसमें, उसका मास कैलकुलेट करना तो इजी नहीं है ना. तो इसलिए हम लोग रादर देन कैलक्यूलेटिंग और नोइंग द एब्सोल्यूट मास, हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं विच इज रिलेटिव एटमिक मास. सो वी आर यूजिंग ओवर हियर द रिलेटिव एटमिक मास. नाउ व्हाट इज रिलेटिव एटमिक मास? रिलेटिव का मतलब क्या हुआ? इन रिलेशन टू समथिंग. ओके, सो यहाँ पे हम लोग रिलेटिव एटमिक मास ले रहे हैं, और वो रिलेशन जो ले रहे हैं बहुत हिस्ट्री है इसकी. हाइड्रोजन से शुरू हुआ, फिर हाइड्रोजन को डिस्कार्ड कर दिया गया, ऑक्सीजन तक पहुंचे, और नाउ अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री वी आर टेकिंग कार्बन 12. कार्बन 12 मतलब जिसका एटमिक मास 12 है, दिस इज टेकन एज अ रिलेटिव. इसको मतलब कैलकुलेट करने के लिए इसे हम एज रिलेटिव लेते हैं, ठीक है, एज कंपैरिजन लेते हैं. सो वेन एवर वी आर टॉकिंग ऑफ AMU, AMU क्या हो गया, इट इज डिफाइंड एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 AMU दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10^-24 ग्राम्स. ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बन गया. 1 AMU दैट इज 1.66 इंटू 10^-24 ग्राम्स. नाउ इफ यू रिमेंबर कि हम लोगों ने कैलकुलेट किया था मास, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो एक छोटा सा फ्लो चार्ट मैं तुमको फिर से देने वाली हूँ आज.
बट उससे पहले हम लोग 1 AMU को कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं. 1 AMU दैट इज इक्वल टू मास ऑफ 1 एटम अपॉन 12. ठीक है, सो मास ऑफ 1 एटम कितना हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर व्हिच इज 6.02 इनटू 10 रेज टू पावर 23 इनटू 12. ठीक है, सो ये आ गया आपके पास 1 अपॉन n0 और 1 अपॉन 6.02 इनटू 10 रेज टू पावर 23 व्हिच इज इक्वल टू 1.66 इनटू 10 रेज टू पावर माइनस 24 ग्राम्स. सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट 1 एटॉमिक मास यूनिट. एएमयू का मतलब क्या हुआ, एटॉमिक मास यूनिट. सो एज आई जस्ट टोल्ड यू आई एम गोइंग टू गिव यू अ फ्लो चार्ट वंस अगेन सो दैट वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस. इट्स काइंड ऑफ अ रिवीजन व्हिच वी आर डूइंग ओवर हियर. तो उसके लिए मुझे इसे करना पड़ेगा इरेज सो दैट नो वी कैन हैव अ फ्लो चार्ट ओवर हियर. ओके, नाउ अब हम लोगों ने ग्राम्स एक एक ले लिए, लेट्स से ए ले लिया, कुछ भी एनी सब्सटेंस वी हैव टेकन, एनी एलिमेंट वी हैव टेकन एज ए. सो लेट्स से ग्राम्स ऑफ ए दिस इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन. ठीक है, अब यहां से अगर आप इसको डिवाइड करोगे बाय एटॉमिक मास, व्हाट आर वी डूइंग ओवर हियर, we are dividing by atomic mass. So if you're dividing by atomic mass, aapke paas kya aa jayega, keh raha tha na humne, moles. Very good. So you are going to get moles of A, right? Or moles of A ko agar hum multiply kar dete hain by Avogadro's number, multiply by Avogadro's नंबर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, मोल्स ऑफ ए को Avogadro's नंबर से करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे एटम्स ऑफ ए, कि कितने एटम्स प्रेजेंट हैं. डन, ओके. अब अगर आपके पास, आपको दिया है एटॉमिक मास, लेट्स से हमें दिया है एटॉमिक मास, रिवर्स पता है ना, एटम्स ऑफ ए को डिवाइड करोगे By Avogadro's number, तो moles of A आ जाएंगे, moles of A को multiply करोगे with atomic mass, तो grams of A आ जाएंगे. So this is the same which we had done in our previous video. जिन्होंने नहीं देखा है जाके देख लो एक बारी, clear हो जाएगा. So atomic mass of A अगर आपको दिया गया है, इसको हम लोग suppose divide कर रहे हैं by n naught. So let us divide by n naught. Avogadro's number से हम divide करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास यूनिट ऑफ ए व्हिच इज इक्वल टू मास ऑफ 1 एटम ऑफ ए. है कि नहीं, ये आपको मास ऑफ 1 एटम ऑफ ए बहुत ही कॉमन है, जो कि आपको कॉम्पिटिशन में आता है कि व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ वॉट एवर. ओके, सो लेट्स Hit it guys, let's see कैसे questions इसमें से आ सकते हैं. Mass of one atom of X is 6.642 into 10 raised to power 23 grams. What is the atomic mass? How many moles are contained in 40 kg of X? ठीक है, so very very simple. यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, mass of one atom of X आपको दे रखा है. Flow chart से अगर करना चाहते हो तो उससे भी कर सकते हो. Atoms of A, atomic mass को अगर हम divide करेंगे तो हमारे पास mass of one atom of A आ जाएगा, और mass of one atom of A को अगर हम multiply करेंगे with atomic Avogadro's number तो हमारे पास atomic mass आ जाएगा. Simple, so mass of one atom आपको दिया है कितना, 6.642 into 10 raised to power 23. Atomic mass के लिए हम minus 23 क्या करना है, 6.02 into 10 raised to power 23 which is the Avogadro's number. ये और ये हमारा हो गया क्या,
ये और ये हमारा हो गया कैंसल, तो क्या आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो 6.642 इंटू 6.02, व्हाट आर यू गोइंग टू गेट ओवर हियर, 40 ग्राम्स अप्रोक्सीमेटली, यस, तो योर आंसर कम्स टू 40 ग्राम्स, ठीक है। एटमिक मास अब आपके पास आ गया 40 ग्राम्स, हाउ मेनी मोल्स आर कंटेन इन 40 केजी, तो नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे कैलकुलेट करते हो बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू वेट गिवन विच इज 40 केजी, 40 इंटू 10 रेज टू पावर ग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं अपॉन 40, और ये कट गया तो कितने मोल्स आ गए, 1000 मोल्स, वेरी वेरी सिंपल। लेट्स गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर टू, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट ए इज 3.9 इंटू 10 रेज टू पावर -23 ग्राम्स, हाउ मेनी एटम्स आर कंटेन इन 1 ग्राम ऑफ एलिमेंट, ओके, सो लेट्स से ओवर हियर आपको मास ऑफ वन एटम दिया हुआ है, तो लेट्स कैलकुलेट फर्स्ट मास ऑफ वन मोल, एटमिक मास कैलकुलेट करते हैं इसका, सो व्हाट इज द फॉर्मूला, एटमिक मास दैट इज इक्वल टू मास गिवन, मास ऑफ वन एटम 3.9 into 10 raised to power -23 into Avogadro's number 6.02 into 10 raised to power 23, ye aur ye kat gaya 3.9 into, let's take this as approximately 3.9 can be taken as 4, so ye aapke paas iska mass kitna aa jayega 3.9 into 6.02, what is the mass which is coming over here, atomic mass, जल्दी बोलो जल्दी जल्दी जल्दी, 4 2 8 0 24.08, दिस इज 3 6 24 नहीं होता, आई एम सो सॉरी, 4 से कर रहे हैं हम, ठीक है, सो 4 6 24 24.08, सो वी कैन टेक दिस एज 24, ओके, दिस कैन बी टेकन एज 24, ये हमारे पास आ गया 24 ग्राम्स, How many atoms are contained in 1 gram? So 24 grams में कितने atoms हैं बच्चे? Avogadro's number 6.02 into 10 raised to power 23. 1 gram में कितने हो जाएंगे? 6.02 into 10 raised to power 23 divided by 24. है कि नहीं? So इसको आप calculate कर सकते हो, तो कितना आ जाएगा? That is going to be 2.5 into 10 raised to power 10 raised to power 22 atoms. Very, very simple. Let's go on to the next question. Analysis of chlorophyll shows that it contains, ये आपका NCERT का question है, 2.68% magnesium. How many atoms of magnesium does 1 gram of chlorophyll contain? So, अगर हम लोग यहाँ पे देखें, तो 1 gram of chlorophyll में कितना परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम प्रेजेंट है, 2.68, सो दैट इज 2.68 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 1, है ना, राइट, सो इतना मैग्नीशियम प्रेजेंट है, अब वो क्या बोल रहे हैं कि हाउ मेनी एटम्स ऑफ मैग्नीशियम डज 1 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल कंटेन, वेरी सिंपल, 2.68% है, तो इसका मतलब आपके पास कितना आ जाएगा, व्हाट इज मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज 24, तो 1 ग्राम में हमारे पास कितना मैग्नीशियम प्रेजेंट है, 24 ग्राम्स में कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, 6.02 into 10 raised to power 23, और 1 ग्राम में कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, 6.02 into 10 raised to power 23 अपॉन 24, और इतने में कितने प्रेजेंट होंगे, दैट विल बी इक्वल टू 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23 अपॉन 24 इंटू 2.68 अपॉन 100, सॉरी दिख नहीं रहा, तो अपॉन 100, ठीक है, सो इफ यू लुकिंग एट दिस और लेट्स कैलकुलेट, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, मैं आंसर यहां ऊपर डाल रही हूं, द आंसर दैट इज गोइंग टू बी 6.72 इंटू 10 रेज टू पावर 20 atoms, 6.72 into 10 raised to power 20 atoms,
ओके वंस अगेन 1 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल में इतना मैग्नीशियम है 2.68%. तो 2.68% मींस 2.68 डिवाइडेड बाय 100. 1 मोल के अंदर 1 मोल का एटॉमिक मास कितना हो गया 24. मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24. 24 में कितने एटम्स प्रेजेंट है 6.02 × 10⁻²³. तो इतने में कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे दैट यू हैव टू कैलकुलेट. वेरी वेरी सिंपल. ओके लेट्स नाउ गो ऑन टू वॉल्यूम वर्सेस मोल. सो वी हैव ऑलरेडी डन दिस व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ वॉल्यूम वर्सेस मोल. हमने ये किया था कि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी हमने किया था स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर. हम लोग टेम्परेचर 273 केल्विन लेते हैं और प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर लेते हैं. सो 1 मोल ऑफ एनी गैस दैट इज गोइंग टू ऑक्यूपाई 22.4 लीटर्स. दिस वी हैड डन एंड वी आल्सो सेड दैट मोलर मास इज रिलेटेड टू मोल एंड मोल इज रिलेटेड टू लीटर्स. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज इन आवर क्वेश्चंस टुडे. हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 40 लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. वेरी सिंपल. अगर आप लोग 22.4 लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हो तो उसमें कितने मोल्स प्रेजेंट है 1 मोल. ठीक है तो 1 मोल में 1 लीटर में कितने प्रेजेंट होंगे 1/22.4. सीधा भी आप ले सकते हो जो हमने एक शॉर्टकट भी इसमें किया था दैट वाज वॉल्यूम गिवन अपॉन 22.4. यू कैन यूज दैट क्योंकि अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू कम टू दैट ओनली. 40 लीटर्स में आपके पास कितना प्रेजेंट हो गया 40 डिवाइडेड बाय 22.4 विच कम्स इक्वल टू 1.786 मोल्स. ठीक है देन लेट्स गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 3.4 ग्राम्स अमोनिया गैस एट एसटीपी. अज्यूम इट्स आइडियल बिहेवियर. अब बच्चे NH3 का पहले हमने निकालना है मोलर मास व्हिच इज 17. तो 17 ग्राम्स कितना ऑक्यूपाई करती है एक्सीलेंट 22.4. 1 कितना करेगी 22.4 डिवाइडेड बाय 17 और 3.4 कितना करेगी 22.4 अपॉन 17 इनटू 3.4. सो वी डन विद दिस. The answer comes to 4.48 liters. है ना सिंपल. कोई कंफ्यूजन नहीं है कहीं पे भी. दिमाग में रखना भी नहीं कोई भी शक. ओके कोई शक है तो क्या करना है आपने कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन भेजना है और मैंने क्या करना है उसका आंसर आपको देना है. नहीं तो ऐप डाउनलोड करके उस पर आप मेरे साथ चैट कर सकते हो वेदर यू बाय एनी कोर्स और यू डोंट बाय. ओके ऐसे नहीं सोचना कि कोर्स बाय करके तभी आप चैटिंग कर सकते हो ऐसा कुछ नहीं. ओके आप ऐप फ्री में डाउनलोड करो और आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हो मुझे एंड यू कैन डिस्कस विद मी. ओके गाइस सो लेट्स गो ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे. 16 ग्राम्स ऑफ एन आइडियल गैस SOx ऑक्यूपाइज 5.6 लीटर्स एट एसटीपी. व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x. ठीक है बहुत ही सिंपल है. 16 ग्राम्स ऑफ एन आइडियल गैस ऑक्यूपाइज 5.6 लीटर्स. ओके तो अगर 5.6 लीटर्स ऑक्यूपाई कर रहा है 16 ग्राम्स तो 22.4 लीटर्स कितना करेगा 16 डिवाइडेड बाय 5.6. हो जाती है गलती यार कोई बात नहीं कि टेंशन लेने की कोई जरूरत है. ठीक है तो हम लोगों ने यूनिटरी मेथड ही यहाँ पे किया है डिवाइडेड बाय 5.6 इंटू 22.4. सो ये आपके पास आ जाता है 64 ग्राम्स. फर्स्ट इज डन. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x. अब x की वैल्यू भी आपको फाइंड करनी है. SOx इसका मॉलिक्यूलर वेट 64 आ रहा है तो xs की एटॉमिक मास कितना होता है 32 प्लस 16x that is equal to 64. एक इक्वेशन फॉर्म कर दी हमने और यहाँ पे 16x is equal to 64 minus 32 is 32 and x की वैल्यू comes equal to 2. So the gas is going to be sulfur dioxide. Right guys? So we finished with our this. Now next what we are going to go on to is
कंजर्वेशन ऑफ मास या आप बोल सकते हो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, वो भी हम लोग करेंगे एंड वी विल ट्राई टू डू एटलीस्ट ऑल ऑफ देम इन वन गो ओनली, ठीक है, ताकि आपको सबके बीच में डिफरेंसेस पता चलता रहे। तो प्लीज लाइक का बटन दबा दो अगर अच्छा लगा है, सारे ऐसे बोलते हैं तो मैं भी बोल देती हूँ, अगर लाइक का बटन दबा दो अगर आपको अच्छा लगा है, और सेकेंडली अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक को शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन आते रहे। सो गाइज दिस इज केमिस्ट्री फॉर कॉम्पिटिशंस, वी हैव स्टार्टेड विद फिजिकल केमिस्ट्री, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास सून, टिल दैट टाइम बाय बाय।